कामयाबी से मैंने अपना बी एम एस पाठ्यक्रम पूरा किया और वहीं से बी एस सी की। तो उसी दौरान मुझे एक अच्छे व्यक्तित्व के महान डॉक्टर जेटली मिले, उनके साथ फिर मैंने इस एरिया का भ्रमण किया और हमने एक बड़ा अच्छा संकलन वनस्पतियों का वहाँ किया। वहाँ मैं सीनियर लेक्चर रीडर डेजिग्नेट रहा, इसके बाद फिर मैं हिमालय आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर रहा। भैषजी कल्पना विषय मेरा दूसरा प्रिय विषय रहा है और वहाँ मैं प्रिंसिपल के रूप में रिटायर होने का पैसा सेवा निवृत्त होकर अन्य कार्य देख रहा। मेरा मानना यह है कि इस पोर्टल की बहुत पहले आवश्यकता थी जो आयुर्वेद के विषय में बनने जा रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान दो तरह से चला। एक तो गुरु शिष्य परंपरा से बहुत लंबे समय से ये ज्ञान एक से दूसरी पीढ़ी में चलता गया, इसके पश्चात ये ज्ञान जब लेखन परंपरा चली तो ब्राह्मी आदि लिपि बनी, उस समय फिर ये पुस्तकों में आया। उस युग में कितना लंबा समय रहा होगा जब ऋषि मुनि अपने छात्रों को सीधे वनों में रखते थे, वहीं उस ज्ञान को उनको प्रदान करते थे और वो श्रुति यानी सुन करके उस ज्ञान का अपने अंदर मनन करते थे और फिर अन्य अगली पीढ़ी को पहुँचाते थे। ये परंपरा निरंतर चली, फिर ये वेदों में आई, उसके बाद आयुर्वेद, उसके बाद उपनिषद, अन्य ग्रंथों में होती हुई, ये पुराणों में होती हुई हमारे आधुनिक युग में पहुँची, जब हम आचार्य अग्निवेश का नाम याद करते हैं जिन्होंने इस ज्ञान को चरक संहिता के रूप में प्रतिपादित किया। ये माना जाता है कि ऋग्वेद ज्ञान का प्राचीनतम भंडार है, ये पूरा विश्वव्यापी सत्य है। इसमें भी चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे संदर्भ हैं, वनस्पतियां हैं, रोग हैं और उनका निवारण। एक बहुत अच्छी परंपरा जो भारत में रही कि हम इतने विनम्र हैं कि हमने जिससे लाभ उठाया उसको हमने पूजना यानी उसका सम्मान करना आरंभ किया। ऐसे लगभग 136 पौधे पूरे भारत में हैं जो पूजा पाठ से जुड़े हैं। बहुत से सामान्यतः तुलसी के साथ कितने व्रत उपवास और कितने ट्रेडिशनल विधियां जुड़ी हुई हैं जो हमें बताती हैं कि तुलसी से लाभ उठाइए और तुलसी को माता के समान मानिए और साथ साथ उसका प्रोटेक्शन भी कीजिए, उससे दो लाभ होंगे, वो वनस्पति आगे हमारी संतान के लिए बची रहेगी और साथ साथ हमारा पर्यावरण भी इससे बहुत ही रिच होगा, एनरिच होगा। दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड द सेक्रेड फीलिंग अबाउट द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड इन आवर सिस्टम ग्रैंड मदर वाज ऑल्सो द हीलिंग हीलिंग यू कैन से हीलिंग मदर यानी सबको स्वास्थ्य रखने वाली माता होती थी। वो प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में स्वभाव जानती थी, किसको गर्म वनस्पति देनी है, किसको शीत देनी है, बैंगन किसको नहीं खाना है, दही किसको नहीं खानी है, अगर पेट में दर्द हो जाता है तो किस तरह से हींग को पानी में मिला के नाभि पे लगाना, किस तरह सुखाना है। ये सब परंपराएं चली, अब ये परंपराएं भी समाप्त होती जा रही हैं क्योंकि आधुनिक सभ्यता में पले बड़े हमारे बच्चे गोली वाली चिकित्सा की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन इन परंपराओं को जीवित रखना इस पोर्टल का उद्देश्य है। और ये ज्ञान अब आधुनिक वनस्पतियों, आधुनिक जो औषधियाँ हैं उनके दुष्प्रभावों के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। आप एक पुस्तक पढ़िए, बैंड एंड बैनेबल ड्रग्स, जो एक चिकित्सक द्वारा ही लिखी गई है, एमडी है, वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने छापा है। उसमें आप देखेंगे कि जिन औषधियों को हम देते रहे लंबे समय तक, जब कितने ही लोगों को ल्यूकेमिया हो गया, कैंसर हो गया, तब हमें पता चला कि उस औषधि का दुष्प्रभाव है।
क्योंकि वो प्राकृत अवस्था में नहीं है, सिंथेटिक हैं, उनको हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता। अतः हमें अपने सारे संसाधन प्रकृति में ही ढूंढने चाहिए। इसीलिए अथर्ववेद में आकर ये ज्ञान फिर और आगे बढ़ा। वहाँ पर मणि मंत्र बंधन को मैं ज़्यादा ही मूवमेंट कर गया है।